हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ये दिन आरोग्य की देवी माता शीतला को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन ठंडी चीज़ों से माँ शीतला की पूजा करने पर माँ शीतला साधकों के तन मन को शीतल करके उनके समस्त प्रकार के तापों का नाश करती हैं। मान्यता अनुसार लोग शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर देवी की पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल 2024 को रात 9:09 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 अप्रैल 2024 को रात 8:08 तक इसका समापन होगा। शीतला पूजा सुबह 6:11 से शाम 6:39 1 अप्रैल 2024। शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी का व्रत को बासवाड़ा अष्टमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। होली से 8 दिन बाद मनाया जाने वाला शीतला अष्टमी उत्तर प्रदेश के राज्यों में राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रमुखता से मनाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि, अपने संतान की लंबी आयु, निरोगी आयु के लिए व्रत रखती हैं। माँ शीतला की आराधना बच्चों को दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से बच्चों को चेचक, खसरा और आँखों की बीमारी का खतरा नहीं रहता। शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता। व्रत से एक दिन पहले ही महिलाएं शीतला अष्टमी की पूजा के लिए भोजन तैयार कर लेती हैं। भोग में मीठे चावल, रबड़ी, पुए, हलवे, रोटी और जैसा आपके यहाँ बनाया जाता है वो आप बना सकती हैं। भोग भी एक दिन पहले ही बनाया जाता है। शीतला अष्टमी की पूजा वाले दिन व्रती ठंडे पानी से स्नान करती है। ठंडी चीज़ों से ही देवी की पूजा होती है। पूजा में भी दीपक धूप नहीं जलाया जाता। पूजा के बाद लोग बासी भोजन को ही ग्रहण करते हैं। तो इस बार शीतला सप्तमी 1 अप्रैल 2024 को है और शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। इस तरीके से हमारी जानकारी ख़त्म होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।